मेरी शक्ल आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी, हम दोनों को इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी ना, बट विदाउट सेम हम यहाँ से कैसे जाते एंड क्या कैसे करते, कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए हम सेम के लिए इतना मुझे झेलना पड़ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। गाइज हमारी गाड़ी आ चुकी है ऑलरेडी, एज यू कैन सी एक्चुअली भैया ने कहा कि मैं आगे पार्क कर रही हूँ, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो हमें ट्रॉली लेके वहाँ जाना है। सो आई एम सुपर हैप्पी। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत। सो गाइस फाइनली वी रीच एंड ये जो आप देख रहे हो ना, सब जाने के बाद हम हमेशा फ्लाइट से सब जाने के बाद ही निकल रहे हैं लास्ट को, एंड आज यू कैन सी एक्चुअली फाइनली मुझे एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं दे रही है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, बट हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं एंड आप ये देख के गेस कर लो, एक्चुअली हम आए हैं दुबई एंड अभी पहुँच चुके हैं, ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं मतलब लॉगेज वगैरह लेके निकलेंगे रूम के लिए। सो स्टे ट्यून। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी हम हैं दुबई एयरपोर्ट में एंड ये तो यहाँ से इतनी खूबसूरत मुझे दिख रही थी ना, एंड ये इतनी बड़ी है मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवेज सो गाइस अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है इमिग्रेशन प्रोसेस, जो कि मैं ऑलरेडी भूल चुकी थी बिकॉज मैं एक साल पहले सिंगापुर गई थी एंड वहाँ पर भी थी इमिग्रेशन प्रोसेस, तो ये मुझे बोल रहे थे कि तू कैसे भूल सकती है। एनीवेज गाइस स्टे ट्यून। तो चल ही गया कि दुबई आए हैं एंड आज यू कैन सी एक्चुअली सो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेट्रो दुबई की मेट्रो, जो कि एयरपोर्ट में है दुबई एयरपोर्ट में। यहाँ से आपको जाना है दुबई एयरपोर्ट, जहाँ पे आपको बैगेज रिक्लेम करनी है एंड इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ ख़त्म करनी है, बट थ्रू मेट्रो आपको जाना होगा एंड यहाँ पे हम वेट किए थे एंड ये अभी जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट मेट्रो जब आएगी उसमें हम जाएंगे, बिकॉज हम जहाँ पे पहुँचेंगे ना वहाँ से मेट्रो फिर आएगी, तो यहाँ पे लोग एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं, तो वो मतलब ऐसे आता जाता रहता है आज यू कैन सी एक्चुअली। एंड यहाँ पे इतने जन लोग थे ना, बट फिर भी इतनी डिसिप्लिन थी, मैं आपको क्या बताऊँ, नो धक्का मुक्का, मतलब वो जो डिसिप्लिन एक वार्ड होती है ना यहाँ पे, ये इतनी क्राउड के बाद भी ना मेंटेन होती रहती है। एंड आज यू कैन सी एक्चुअली ये मेट्रो आ चुका है एंड ये मेट्रो से वो आप देख पा रहे हो ऑलरेडी वो सब निकल रहे हैं एंड वो टेकअप के लिए निकल रहे हैं, फ्लाइट होगी एंड अभी ये वाली जो डोर ओपन होगी ना हम जाएंगे दुबई एयरपोर्ट, जहाँ पे हमें बैगेज रिक्लेम करनी है एंड हमारी इमिग्रेशन प्रोसेस ख़त्म करनी है। आप देखोगे अभी खुल जा सिम सिम एंड ये खुल गई एंड इतनी क्राउड है गाइस, इतनी क्राउड है, बट इतनी डिसिप्लिन में क्या बताऊँ, इतनी डेवलप्ड
ओ माई गॉड, हर एक इंसान ना इतनी खूबसूरत दिख रही थी ना, मैं सबको देख रही थी, मतलब यार इतनी भी खूबसूरत होते हैं क्या दुनिया में। एंड धीरे धीरे आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी मेट्रो जा तो रही थी, एंड बैक पे मैं इनको पूछ रही थी कि ये बैग में क्या है जो कि एयरपोर्ट में है। मुझे तो मतलब मैं देख के शौक थी कि ये रोड भी दिखाई दे रही है, यार ये कितनी खूबसूरत है। एंड यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि इंडिया के टूरिस्ट ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो हर कंट्री के लोग है भाई साहब। फाइनली हम उतर चुके हैं मेट्रो से, एंड अभी जो प्रोसेस है, एंड यहाँ पे थी इतनी क्राउड, यहाँ पे सबको बताया जा रहा था कि मतलब जो टूरिस्ट है जो कि ट्रैवल के लिए आए हैं उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस अलग है, एंड जो यहाँ पे रह रहे हैं मतलब दुबई में ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं उनके लिए इमिग्रेशन प्रोसेस अलग है। तो वी आर गेटिंग कन्फ्यूज के हम कहाँ जाएंगे क्योंकि इतनी क्राउड थी, एंड हम कहीं पर मतलब ये इतनी बड़ी एयरपोर्ट है ना, मतलब ये आप कभी भी मिस नहीं करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस वीडियो की मेरी। मतलब हम जब यहाँ पे जब पहुँचे ना हम, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि बिकॉज हर कोई इंसान बोल रहा था कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब आपको अच्छे से माइंडसेट करनी होगी एंड अच्छे से पता करना होगा। फिर बहुत घूमने के बाद मैं वो वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती, बट मेरी एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रही है बिकॉज वो बोल रहे थे कि आपको वहाँ जाना है, फिर हम आधा घंटा ऑलरेडी वेट कर चुके थे उसके बाद आए हो कि आपको वहाँ जाना है। तो फाइनली हम यहाँ पे आने के बाद सब कुछ प्रोसेस ख़त्म करने के बाद अभी हम बैगेज रिक्लेम कर रहे हैं, एंड वो जो इमिग्रेशन प्रोसेस होती है ना उसकी वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाई। एंड आज यू कैन सी एक्चुअली यहाँ पे भी हमारी तकलीफ ख़त्म नहीं हुई थी। सो गाइस बी केयरफुल, जब भी आप दुबई एयरपोर्ट में पहुँच रहे हो ना उसके बाद आपको एक मेट्रो मिलेगी, थ्रू मेट्रो आपको आना है यहाँ पे बैगेज रिक्लेम के लिए एंड इमिग्रेशन प्रोसेस करना है। ये सब कुछ आपको लिटिल बिट, अगर आप हमारी तरह फर्स्ट ट्रिप हो दुबई की, मतलब आपकी फर्स्ट ट्रिप है नहीं पता है, तो फिर ये दो प्रोसेस आपको करनी होगी जो कि मतलब माइंड सेट करनी होगी एंड इधर उधर भटकना मत। सो गाइस स्टे ट्यून, अभी हमारी नेक्स्ट काम क्या है पता है, हमें लेना है सिम बिकॉज हम बात कैसे करेंगे घर पे। सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ऑलरेडी इतनी जन वेट किए हैं उनके नियर एंड डियर के लिए, एंड हमें देख के हंसी आ रही थी कि हमारे तो कोई भी नहीं है, मतलब हम तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। एनीवेज सो हमें जो लेना है सिम ना वो है डू कंपनी की, जो कि हमने भी बहुत सारा सर्च करने के बाद ब्लॉग वगैरह देखने के बाद हमने सोचा था कि वो डू कंपनी से हमें ही सिम लेना है, एंड यहाँ पे बहुत सारी कंपनी थी जो कि सिम के लिए, एंड सिम एक फ्री में भी मिली थी बट उसमें इतनी कम डाटा थी कि बोलो मत। तो इसीलिए हम अभी सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि वो कंपनी हमें कहाँ मिलेगा बिकॉज इतनी बड़ी एयरपोर्ट है एंड यहाँ पे हम कहाँ पे ढूंढेंगे वो वाली कंपनी। तो ये मुझे बोल रहे थे तो अच्छे से देख ले, देखने के बाद ही हम जाएंगे बिकॉज हर जगह पे ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा। एंड जाते जाते हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सिम के लिए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी यहाँ पे है डू कंपनी जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिम ले रहे हैं यहाँ से। हमें ऑलरेडी सिम फ्री में मिली थी बट बहुत ही ज़्यादा कम डाटा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। एंड बहुत सारी ब्लॉग्स वगैरह देखने के बाद, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद हमने सोचा था कि ये वाली कंपनी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी, तो इसलिए हम आ गए हैं यहाँ। कुछ मतलब इंक्वायरी वगैरह अगर सही लगा तो फिर यहाँ से हम लेंगे सिम। एंड इसीलिए ये देख रहे हैं ये वाली ब्रोचर जो कि
यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। एंड गाइस ये आज यू कैन सी एक्चुअली इतनी एक्सपेंसिव है, बाय गॉड, मतलब 7 डेज के लिए ये इतनी एक्सपेंसिव है एंड 2 दिन में ये डाटा ख़त्म होने वाली है बिकॉज हम जहाँ पे रुकने वाले हैं ना वहाँ पे भी वाईफाई आई थिंक होगी, बट यू नो व्हाट, रूम पे आप अगर बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो तो फिर रूम पे आप कितने देर रुकोगे रात, मतलब ओनली इसलिए हम कंफ्यूज थे कि मतलब कौन से सिम लेंगे। एंड यहाँ पे जब आप दुबई एयरपोर्ट में, यहाँ से ही आपको सिम लेना पड़ेगा, बट यू नो व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ये जो पेमेंट वगैरह वो आप लाइन में ही करना पड़ेगा, वो सब कुछ इंटरनेशनल कार्ड वगैरह यूज करना पड़ेगा, आगे है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अभी हम ऑलरेडी सिम ले चुके हैं एंड ये आप देख पा रहे होगा ऑलरेडी इंडिया का, हमारी जो यहाँ का सिम है वो भी ऑलरेडी है बट वो नो नेटवर्क। एंड गाइस हम ले रहे हैं 30 फ्लेक्सी मिनट्स वाली सिम जो कि है 10 GB मिलेगी हमें 20 डेज में। हम रुकने वाले हैं 10 to 12 डेज, जिसकी प्राइस है 139 AED dirham, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3,197 रुपीज़ होगी। सो गाइस इट्स सो एक्सपेंसिव एंड यहाँ पे आप क्राउड देख पा रहे हो ऑलरेडी, आना जाना रहता है। एंड डू कंपनी से हम ले रहे हैं बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के बाद, एंड इसकी जो पेमेंट प्रोसेस होगी ना वो आगे जाके होगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेटेड है आप आगे जाके देखना। गाइस वी कैन नॉट यूज एक्चुअली व्हाट्सएप कॉल, वी कैन नॉट यूज एक्चुअली मैसेंजर कॉल, मतलब नथिंग कैंट यूज। हम जो 10 दिन या फिर 12 दिन के लिए रुकेंगे ना, बस 10 दिन 12 दिन के लिए बस 30 मिनट्स ही है, मतलब एक दिन को आप काउंट कर सकते हो 2 मिनट के लिए, और क्या वो एक्सपेंसिव है। 10 GB एंड 10 GB 139 AED, can you imagine? So expensive। यहाँ पे आपको पता चल रही होगी ऑलरेडी अमित ने हमें जो दिया था ना, वो जो फूड्स जो भी सब कुछ स्नैक्स वगैरह, हमें इतनी जोर से भूख लग रही थी ना एंड टाइम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी एंड कब ये सब कुछ ख़त्म होगी एंड रूम यहाँ से कितनी दूर है, मतलब वी हैव नो आइडिया एक्चुअली। एंड बस दोनों खा रहे थे एंड मतलब मैं बोर भी उतनी हो रही थी, आप देख पा रहे होगा ऑलरेडी। एंड फाइनली ये प्रोसेस आ गई जो कि है पेमेंट मेथड फॉर सिम। एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा पता है, आप ऊपर देख पा रहे होगा ऑलरेडी डू की लोगो, यहाँ पे आपको वो जो मोबाइल नंबर होगी ना, वो जो सिम होगी वो मोबाइल नंबर आपको डालनी होगी यहाँ पे, एंड डिजिट आपको डालने के बाद एंड प्राइस जो है जैसे कि मैंने आपको बताई थी 139 dirham, वो प्राइस भी आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको अपनी कार्ड जो ATM होती है वो आपको डालनी होगी एंड यहाँ पे हमने कर दिए गलती, यू कैन सी एक्चुअली यहाँ पे हमें नहीं डालना था गाइस, हमें डालना था जहाँ पे नंबर है एंड यहाँ पे ये इतनी टेंस हो गए थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी परेशान हो गई थी। एंड फाइनली यहाँ पे डालने के बाद इट्स डन, एज यू कैन सी एक्चुअली 139 dirham दे के हम ले रहे हैं सिम फॉर 12 डेज इन दुबई। एंड यहाँ पे मुझे मिली बूट्स की फार्मेसी, जैसे कि हमारी वहाँ होती है ना रिलायंस वगैरह, दैट काइंड ऑफ मतलब फार्मेसी आप समझ पा रहे होगे। एंड यहाँ पे मुझे ये सब जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं यहाँ पे मैं देखने को मुझे मिली, वेनस की ये जो रेजर होती है ना, यहाँ पे इतनी सारी थी ना, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि यहाँ पे इतनी सारी भी होती है क्या कभी दुनिया में। एंड प्राइस ओ माय गॉड, आप देख पा रहे होगा ऑलरेडी ये थी 18 dirham, ये थी 30 dirham, जो हम प्लम वगैरह यूज़ करते हैं लिप्स में वो थी 13-15 dirham, कैन यू इमेजिन गाइस। एंड यहाँ पे बुके ना इतनी खूबसूरत, मैं इनको बोलने वाली थी कि मुझे दे दो एंड ये मुझे बाहर लेके चले आए एंड गुस्सा भी हो गए थे कि मतलब तू दिन स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड तू शॉपिंग करने लगी। एंड यहाँ पे क्राउड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, हर कोई इंसान वेट किया है फॉर करीम, जैसे कि करीम किसे बोलते हैं ये तो मतलब जो व्लॉग देख रहे होंगे ऑलरेडी दुबई रिलेटेड उनको पता होगी, बट जिनको नहीं पता है लाइक मी, करीम होती है हमारी तरह जैसे कि यहाँ पे ओला उबर होती है दैट काइंड ऑफ, तो हम अभी करीम बुक करने वाले हैं। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी एयरपोर्ट आ रहे हो ना, अगर ये हमारी तरह आपका भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो यहाँ पे जो आपको आके अप्रोच करेंगे कि हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कहीं पे भी कहीं मतलब कोई भी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना, आप ऑनलाइन करीम बुक कर लेना, गाड़ी आ जाएगी। एंड आपको यहाँ पे इतनी स्मार्ट है ना, सब कुछ चीज़ें इतनी अच्छी है, बस आपको लिटिल बिट पेशेंस
रखनी पड़ेगी, दैट्स इट। एंड यहाँ पे बज गई थी ऑलरेडी 12, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम इट्स 1:30 हुई होगी। सो एंड गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलरेडी कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ सब जो जा रहा है ना। मैं कर रही थी अपनी टाइम पास ये गाड़ी देखते देखते, एंड हमने वेट किया था हमारी करीम कब आएगा। एंड मुझे तो लग रहा था कि मतलब बहुत ही लेट होने वाली है, एंड सचमुच मैं टाइम पास कर रही थी। ये आप देख पा रहे हो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, आई जस्ट लव ब्लैक। एंड ये गाड़ी का नाम भी मुझे नहीं पता, बस जूम कर ली बस आपको दिखाने के लिए। एंड यहाँ ये थे फ़ोन पे बिजी कि गाड़ी इनकी रूल्स होती है, इनकी रूल्स इतनी डेवलप्ड है ना, मतलब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको। आप जब भी आओगे ब्लॉक होती है, उनकी एक कलम होती है कि कौन सी गाड़ी कब कहाँ पे रुकेगी, तो वो आपको सब कुछ फ़ोन पे ही पता चल जाएगी। बस वही वो लाइनअप कर रहे थे कि आप कहाँ पे हो भैया, हम ये ब्लॉक पे है, A1 पे है या फिर B1, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो हम खड़े थे ऑलरेडी A1 पे, एंड यहाँ पे मैं टाइम पास कर रही थी। गाड़ी आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, एंड यहाँ पे ना ड्राइविंग होती है लेफ्ट में, इनकी रूल्स से जो कि मैं फिल्मों में देखी थी। हाँ, आपको हंसी आ रही होगी यार, मुझे मैं नहीं देखी थी कभी भी। मैं सिंगापुर, ये मेरी सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप है, बट आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं ये देखने वाली थी दुबई में, जो कि लेफ्ट हैंडेड होती है। वो ओनली मैं फिल्मों में देखी थी कि मतलब लेफ्ट में ड्राइव करते हैं। एंड ये वाली गाड़ी, ओ माय गॉड, ये इतनी खूबसूरत है ना, इतनी एंड इतनी लंबी लंबी गाड़ी थी, लेक्सस की गाड़ी थी, सब कुछ करीम में जा रहा था, मुझे नहीं पता चला। एंड फाइनली हमारी गाड़ी आ गई, ये थी हमारी लेक्सस की गाड़ी। ये तो कभी हम खरीद नहीं सकते, बस वी आर लक्की इंसान कि हम अभी ये गाड़ी में जाने वाले थे। एक्चुअली हमने बुक की थी सेडान, जो कि ये आ गई है ऑलरेडी। अभी हमें ट्रॉली लेके जाना है, एज यू कैन सी एक्चुअली ये वाली ट्रॉली मुझे अभी लेना है, एंड लेके हम जाएंगे टूअर्ड्स आवर रूम। सो गाइज स्टे ट्यून, एंड हम कहाँ पे रुकने वाले हैं आपको आगे व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। एंड फाइनली पेशेंस की लेबल ख़त्म हो गई है, गाड़ी है आगे, सो चलो चलते हैं हमारी गाड़ी के पास। मैं इनको अभी क्या बता रही थी पता है आपको, शेयर कर लेती हूँ। मैं बता रही थी कि लाइफ में तो कभी नहीं बैठ सकते, चलो एंजॉय कर लेते हैं एंड बैठ लेते हैं यार। How you feel? Guys, finally हम जा रहे हैं रूम, एंड रूम कहाँ पे है? बिजनेस बे ना, बिजनेस बे पे है हमारी रूम। तो अभी बज चुका है, इंडिया में टाइम होगी 2 या फिर 2:30, एंड यहाँ पे 1:30 होगा। हाँ, एंड यहाँ पे 12:00 midnight। एंड भैया भी आ चुके हैं ऑलरेडी, as you can see. एंड गाइज फाइनली हम एयरपोर्ट से अभी निकलने वाले हैं। एंड गाड़ी आप देख पा रहे होगा ऑलरेडी इतनी लग्जरियस लग रही थी ना, मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ, मतलब मैं फील कर रही थी बस आपके साथ मेरी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। एंड ये भैया थे पाकिस्तान से, अभी इनके साथ बात शुरू करने वाले हैं हम। और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो समर में बहुत कभी भी मत आ वाइटल टाइम यही है ना, मतलब न्यू ईयर के टाइम, मतलब अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है, दिसंबर जनवरी पर्टिकुलर टाइम है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ये हो गया कि अभी ये सिस्टम बना दिया कि वो क्लाइमेट चेंजिंग का आर्टिफिशियली कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। हां, ये पिछले कंट्री का लोग इधर भी बुलवा लिए ना, उसने वो सिस्टम बना दिया, इधर दुबई भी टेम्परेचर हाई गया तो वो आर्टिफिशियल चेंजिंग करवाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो होता है, उतना नहीं होता, लेकिन हो गया भैया यहाँ पे आपको इधर हमारा हो गया 80 ईयर्स हो गया था। कितने
8 ईयर का। अरे बाप, मतलब फैमिली यहाँ पे या फिर फैमिली पैक की बात बता सकते हो आप? क्यों ना, बिल्कुल। मतलब लेफ्ट पे ड्राइविंग क्यों होती है? ये तो कंट्री का वो शायद गल्फ कंट्री का ये होगा ना, सारे गल्फ कंट्रीज में लेफ्ट है ना, सारे गल्फ कंट्री में। अच्छा, दुबई, सऊदीया, ओमान, वेस्ट साइड में भी लेफ्ट है। सिर्फ हमारा इंडिया और पाकिस्तान में। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में भी राइट में, नॉर्मल दिस है? नहीं नहीं, राइट में, राइट में था हम लोग का। यूके में भी मेरे ख्याल में राइट में है। यूके वाला ये लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं बिल्कुल। बाकी जितने भी लेन ड्राइविंग भी यहां का लेफ्ट या राइट है? हम गाड़ी से बाहर सामान रखेंगे ना तो हम तो बोलते क्या बैठ जाओ। इंडिया और पाकिस्तान का वो उसका आदत हो गया ना, वो जब आते हैं तो इधर भी बैठ जाते हैं। मैं भी गलती से वहाँ पे रखने जा रहा था ना आगे, तो अरे हम भी ये भी जा रहे थे वहाँ आगे रखने के लिए, लेके अरे यार मतलब अभी चेट मतलब वहाँ से है ना, तो गाड़ी चलाने में यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि और हम इधर भी ड्राइव कर रहे थे, जब हम भी पाकिस्तान में जाऊंगा ना वैसे गेट में बैठ जाऊंगा तो छोड़ वहाँ पे, तो मुझे ऐसा डर लग जा रहा है कि ये तो वो तो डर है ना। इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मेजॉरिटी इसका ज्यादा है बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान और फिलीपींस से भी बहुत लोग हैं। फर्स्ट नंबर पे इधर जो तो इंडिया का था ना, इंडिया पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। पर इंडिया पाकिस्तान डेवलप नहीं हो रहा है, बट ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना बिल्कुल। सब उधर से लेके आते रहो, वो आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये डेवलप होती जा रही है। एंड गाइज, ये भैया के साथ बात करते करते ना हमने भैया से पूछ लिया फाइनली, क्योंकि मतलब एयरपोर्ट के बाद ना हम अच्छे से अच्छे गाड़ी देख रहे थे, तो मैंने पूछ लिया कि भैया यहाँ पे ये सब इतनी लग्जरियस गाड़ी क्यों करीम में लगा रहता है, जैसे कि करीम आई मीन ओला उबर की तरह क्यों है मतलब। तो भैया ने कहा कि यहाँ पे टैक्सेस इतने कम है तो हर बंदा के पास BMW मर्सिडीज की तरह बहुत ही ज्यादा और उससे भी ऊपर लग्जरियस गाड़ी हर किसी के पास होगी, बस आप कल की वेट करो, जब आपकी दिन कल शुरू होगी ना आप इससे भी बेहतरीन गाड़ी देख पाओगे। एंड हम गॉड्स बिजनेस पे ओल्ड दुबई के आसपास ही थे एंड जा रहे थे बिजनेस बे में, बिकॉज बिजनेस बे पे हमारी है होटल। एंड मैं भैया के साथ क्या पता है क्या बात कर रही थी, यहाँ पे ना इंडियन पाकिस्तान से लोग ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो इंडियन पाकिस्तान जब यहाँ पे आएंगे ना तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे यार, लाइक ये इतनी डेवलप्ड है एंड मैं क्या बताऊँ, इतनी डिसिप्लिन है। एंड ये भैया थे 8 साल से, भैया थे पाकिस्तान से एंड 8 साल से दुबई में थे एंड वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या पता है, भैया थे पाकिस्तान से एंड मैं पाकिस्तान से कोई है जो कि मैं बात कर रही हूँ, कैन यू इमेजिन। मुझे तो मतलब मैं शॉक में थी यार, लाइक एंड वो इतने कोऑपरेटिव थे गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। एंड मेरी तो दिन शुरू भी नहीं हुई थी एंड ये इतनी अच्छी जा रही थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही थी ना, मैं कभी नहीं बैठी हूँ इतनी स्पीड में यार। वहाँ पे तो हमारे रूल्स है कि इतनी स्पीड से आप नहीं जा पाओगे, तो वहाँ पे रोड एंड वो जो स्पीड, बाई गॉड मैं क्या बताऊँ आपको। आप जब दुबई में आओगे ना, जब गाड़ी में बैठोगे, एक तो लग्जरियस गाड़ी में बैठोगे, अच्छी वाली गाड़ी में बैठोगे, उसके बाद गाड़ी की जो स्पीड होगी बाय गॉड वो तो 4 चांद लग जाएगी। एंड वही हम जा रहे थे टूअर्स बिजनेस बे आवा होटल, एंड मतलब अभी तक एक्सपीरियंस इतनी अच्छी हो गई थी, मूड पूरा झिंगा लाला हो गई थी मेरी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड।
गाइस ये जो आप देख रहे हो ना ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इन दुबई। ये थी तो नाइट व्यू, कल हम आएंगे, डे वन हमारी यहाँ से शुरू होगी, कल आप देख पाओगे डे वाली व्यू, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी होटल अपार्टमेंट में, जो कि बिजनेस बे एरिया में, एंड ये है एलीट बिजनेस बे, एंड यहाँ पे हम 12 डेज के लिए रुकने वाले हैं। सो अभी हम लेके जा रहे हैं हमारी ट्रॉली, मैं बना रही हूँ अपनी वीडियो बिकॉज ये ऑलरेडी जा चुके हैं अंदर, वो सब कुछ जो भी प्रोसेस होती है, इतनी टायर्ड हो गए हैं ऑलरेडी एंड इतनी देर हो गई है ऑलरेडी, भूख भी लग रही है यार लाइक, एंड खुशी तो मैं आपके साथ क्या बताऊँ यार, लाइक इतनी खुश हूँ नहीं बता सकती यार, मतलब आप टोन से ही जान पा रहे होगे ऑलरेडी। एंड मैं धीरे धीरे अपनी ट्रॉली ले रही हूँ, जो कि है 4 ट्रॉली एंड 1 बैकपैक। सो ये यहाँ पे प्रोसेस अपनी ख़त्म कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ना लिटिल बिट थोड़ी सी ट्रबल हो गई थी, थोड़ी बहुत वेट करनी पड़ी, इसलिए वीडियो में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं बता दे रही हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे ना मतलब वो की वगैरह की प्रॉब्लम इशू हो गई थी हमें लिटिल बिट, इसलिए हमें आधा घंटा 1 घंटा शायद हमें वेट करना पड़ा। सो गाइस हमें हमारी की मिल गई है हमारी रूम में 8th फ्लोर में। सो अभी हम जा रहे हैं, एंड ये जो आप देख रहे हो ना ये है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो फिर इस नंबर पे हम सिक्योरिटी को फोन करेंगे। फाइनली हम जा रहे हैं रूम, एंड इतनी हेक्टिक शेड्यूल के बाद ना फाइनली हम पहुंच रहे हैं, एंड फाइनली हमारी हो गई 8th फ्लोर, जो कि 819 रूम नंबर। होटल अपार्टमेंट जो कि है बिजनेस वे पे, हम रुके हैं बिजनेस वे पे, एंड वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी लंबी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।